वही के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगमालिनी साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही गुप्त रूप से भगमालिनी साधना क्यों की जाती है और लोगों के जीवन में इस साधना का महत्व क्या है। माता भगमालिनी की बात करें तो माता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति ये मानी जाती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म पावर और बहुत ही अचूक और शक्तिशाली शक्ति मानी जाती हैं। और माता त्रिपुर सुंदरी की अगर ये शक्ति हैं तो इसका मतलब है कि इसकी शक्ति अपरंपार है। इस शक्ति का उपयोग यानी माता भगमालिनी की जो उपासना होती है मुख्य रूप से आकर्षण के लिए, पौरुष प्राप्ति के लिए, सुंदरता प्राप्त करने के लिए, प्रभा मंडल बढ़ाने के लिए और अपने शरीर में चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी मनोकामना है वो तो पूर्ण होती ही है। मनुष्य अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल होना चाहता है। वो हमेशा यही चाहता है कि लोग उसकी बात माने, उसको प्यार करें, उसको चाहें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को समझें, उसकी बड़ाई करें। हर मनुष्य, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति के मन में इस तरह की भावना होती है कि लोग उसके काम को सराहे, उसकी सुंदरता का बखान करें, उसकी बातों को सुने। इस तरह की चाहत हर मनुष्य के अंदर यानी हर स्त्री पुरुष के अंदर होती है। तो क्या आपके चाहने से ऐसा हो जाता है? नहीं, आपके अंदर कोई तो खास बात होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो रहा है तो आपके अंदर जरूर कोई खास बात है जिसकी वजह से वो आपसे प्रभावित है, नहीं तो वो आपसे प्रभावित नहीं होगा। जो खास बात होती है, जो विशिष्ट गुण होते हैं, माता भगमालिनी की साधना करने से, इनकी उपासना करने से वो गुण की प्राप्ति होती है। और इसी गुण के द्वारा मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होता है, समाज में सफल होता है। समाज में उसको जानते हैं, मानते हैं, समाज के लोग उसका कहना मानते हैं। इस तरीके से वो एक चर्चित व्यक्ति बन जाता है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। इसके अलावा इस साधना के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि चेहरे का तेज बढ़ता है, शरीर में स्फूर्ति का निर्माण होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आयु वृद्धि होती है, उम्र का प्रभाव शरीर पर कम पड़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, महिलाओं की सुंदरता में निखार आता है, पौरुष शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, तंत्र साधना में सफलता मिलती है। माता भगमालिनी के उपासक के पास एक से ज्यादा योग्यता होती है, यानी इनके पास धन आने का स्रोत एक से ज्यादा होता है। भगमालिनी मंत्र प्रयोग को लोग आकर्षण के लिए अधिक उपयोग करते हैं, चाहे वो धन का आकर्षण हो, किसी व्यक्ति का आकर्षण हो, चाहे वो किसी वस्तु का आकर्षण हो, यानी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, माता भगमालिनी उसे अवश्य पूर्ण करती है। तो आइए जानते हैं माता भगमालिनी की साधना कैसे की जाती है। ढेर डाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से श्वास खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए माता भगमालिनी मंत्र, ओम ह्रीम क्लीम क्लीम भगेश्वरी क्लीम क्लीम ह्रीम फट स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम भगेश्वरी क्लीम क्लीम ह्रीम फट स्वाहा।
इस मंत्र का उपांशु जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, प्रभा मंडल को बढ़ाता है। इसकी वजह से समाज में आपका मान सम्मान होता है, आपकी योग्यता बढ़ती है, धन आने के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से सभी प्रकार की मनोकामना को इस मंत्र के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यह मंत्र 11 माला रोज 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जाप कर सकते हैं, लेकिन माला लाल कलर की हो तो शुभ मानी जाती है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार या गुरु पुष्प या रवि पुष्प नक्षत्र से किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।